खुशामदीद और हम हैं बच्चों के साथ और स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टलैंड। और ये बिस्किट्स बहुत मजे के होते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो आज हमारे पास है मरियम। और मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम बड़ा रोजा लग रहा है, मुझे लग रहा है आज आपकी रोजा कुशाई करेंगे हम। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आज आपको रोजा बहुत कहाँ रखा था, अलमारी में या फ्रिज में? कहाँ रखा था रोजा? अलमारी में। ये बात ये है वहाज जैदी मेरे साथ, मोहम्मद सैयद मोहम्मद वहाज जैदी। अब मैं क्या करूँ, उसने तो अलमारी में रोजा रख लिया तो हमें बता दिया बस तोड़ने। ये तोड़ना चाह रहे हैं वहाज भाई, कह रहे हैं इसका रोजा तोड़ देने। रोजा नहीं टूट सकता ना मेरा बेटा जब तक ये पानी नहीं पियेंगे ना रोजा। उसको मालूम है, आप इसको ऐसा ना समझे। हाँ मेरी प्यारी बेटी इतनी प्यारी। अच्छा आपको कोई स्टोरी अच्छी सी सुनाए जी। आज आप क्या सुना रहे हैं वहाँ, आज ये बताइए। आज मैं आपको सुनाने से पहले अपना एक बात कहना चाहूंगा कि अपना खुदा ने हमें जो नमाज अता की और नमाज की जो मेराज है वो सजदा है। सुभान अल्लाह। तो सजदे में जो है खुदा ने हर नमाज में रकात हमें अता की है और हर रकत में दो सजदे होते हैं। एक सजदा होता है जिसमें जब हम जाती हैं तो वो हमें एहसास दिलाता है कि हम इसी जमीन से उठाए गए हैं। सुभान। और जब हम दूसरे सजदे में जाते हैं तो वो हमें ये एहसास दिलाता है कि हम वापस भी इसी जमीन में जाएंगे। उसके बीच का जो वक्फा होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस्तगफार पढ़ते हैं। तो इस्तगफार हमें बताता है कि जमीन से उठने और जमीन में वापस जाने के बीच का जो वक्फा है उसमें हम लोगों को इस्तगफार करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत प्यारी बात। वक्त का काम है आगे बढ़ते जाना, खाली होता जा रहा है उम्र का खजाना, सदा नहीं रहेगी जिंदगानी। आज मैं आपको सुनाऊंगा कौमी आत की कहानी। आज से हजारों साल पहले खुदा ने एक कौम खल्क की जिसे कौमी आत कहा जाता है। खुदा ने उस कौम को बहुत ताकत अता की। उस कौम की खूबी ये थी कि वो बहुत ताकतवर थी, यानी वो पत्थर जो बड़ी बड़ी क्रेन से उठाए जाते हैं, बहुत सारे मजदूर मिलके उन पत्थरों को उठाते हैं, वो लोग वैसे पत्थरों को एक हाथ से पकड़ते और ऐसे फेंकते जैसे बॉल फेंक रहे हो। और कोई 800 साल जीता, कोई 900 साल जीता, और साथ ही साथ उनको अगर खड़ा कर दिया जाए आज के जमाने में तो उनकी कद जो था उनका कद इतना होगा कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची मंजिल हैं, ऊंचे ऊंचे कमरे होंगे ऊंची मकामों पर, उनके बराबर उनका कद था। और वो जिस जगह पे रहते थे वो भी बहुत सरसब्ज थी, अनाज उगता था, गंदम उगता था, बारिश होती थी, फल थे, खाना था, सब कुछ था। और वो पहाड़ों के ऊपर बड़े 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 महल भी बनाते। मगर एक उनमें बुरी आदत थी। क्या थी? कि वो बुत परस्ती करते, वो खुदा को नहीं मानते। तो खुदा ने जनाबे हूत को नबी बना के उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। जनाबे हूत आए, कहने लगे कि खुदा एक है, खुदा वादहु ला शरीक है, ये जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये खुदा नहीं है। तो कहने लगे ऐ हूत, तुम पे हमारे खुदा की फिटकार नाजिल हुई है, तभी तो तुम ऐसी फेंकाई हुई और अजीब सी बातें कर रहे हो। अब जनाबे नूह एक दिन तबलीगे दीन कर ही रहे थे कि कह उठी पूरी कौम कि अच्छा इतना ही दम है तो बुला अपने खुदा को, हमारे जैसा कौन है। याद है मैंने आपको पहले दिन पहले रोजे को बताया था कि शैतान ने यही कहा था कि मुझ जैसा कौन है, उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। अब जनाबे हूद ने कहा कि अब तुमने खुद असाब मांगा है, अब देखो इंतजार करो। खुदा ने पानी बरसाना बंद कर दिया, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जनाबे नूह की कौम पर पानी का अजाब नाजिल हुआ। वो चाहे तो पानी को ज्यादा बरसा के अजाब बना देता है और वो चाहे तो पानी को रोक देता है तो भी अजाब बना देता है। अब वहां बारिश नहीं होती थी अल्लाह के हुक्म से तो ना कोई गंदम उगता, यहाँ तक के वहां पर अनाज का एक दाना तक नहीं होगा, सारे दरिया सूख गए, हरियाली खत्म हो गई। अब करे तो क्या करे, अब इतनी भूख लगती कि पत्ते खा गए, चूहे खा गए, बिल्ली खा गए,
हराम और हलाल में फर्क ही नहीं जाना। अब एक दिन उन्होंने खुदा से ऐसा हकीकी खुदा से दुआ करना फरियाद करना शुरू की। उनकी आदत थी कि जब भी किसी मुश्किल में पड़ते तो हकीकी खुदा से फरियाद करते और जब मुश्किल टल जाती तो वापस से बुतों की पूजा करना शुरू कर देते। तो खुदा ने भी इस बार उन्हें एक बड़े से मैदान में बुलाया। सब पहुंच गए मैदान में, सामने तीन बादल रखे। पहला बादल सफेद था, दूसरा सुर्ख और तीसरा सिया। अब उन लोगों ने देखा, कहने लगे, पहले में तो अमूमन कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, यानी जो सफेद बादल होता है वो खाली होता है। फिर उनकी नजर गुलाबी पे पड़ी, सुर्ख पे पड़ी, कहने लगे, यार सुर्ख में तो ज्यादातर हवा ही होती है। फिर उन लोगों की नजर सियाह पे पड़ी, कहने लगे, हाँ सियाह में पानी होता है। फौरन उस सिए बादल को चुन लिया। अब जैसे ही उस बादल को चुना, खुदा ने कहा कि जाओ अपने घरों को वापस लौट जाओ, तुम लोगों ने जो मांगा है तुम लोगों को वो मिल जाएगा। अब तमाम लोग अपने घरों को वापस लौट गए। कुछ ही देर में वो बादल उनके सरों पे मंडलाता हुआ आया। सब अपने घरों से बाहर निकल गए, झूम के नाचने लगे, गाने लगे, खूब मजे करने लगे। हालांकि उन्हें क्या पता था कि ये वही अजाब है जो उन्होंने खुदा से मांगा था। अब कुछ ही देर में ऐसी तेज आंधी चली, ऐसी तेज तूफान आया कि उन सबको उड़ा ले गया, सबको आसमान में उठाता, सबके सर आपस में टकराते, सारा जो दिमाग था वो मुंह पे आता, जमीन पे वापस आके पटक देता। अब जो है वो धड़ कहीं होता, सर कहीं होता। अब जो कुछ लोग बचे थे वो बड़े बड़े अपना जो अपना पहाड़ों के ऊपर जाके छुप गए। पहाड़ों के ऊपर जो घर बने हुए थे उसमें जाके छुप गए कि यहाँ हवा नहीं आएगी। अब हवा अंदर इस तरह गई और उनको खींचते हुए बाहर निकाला कि उनके साथ भी वही अंजाम हुआ कि जो बाकियों के साथ हुआ। अब जब उनके साथ ये अंजाम हो गया तो खुदा ने उन्हें निशाने इबरत बना दिया। तो इससे हमने ये सीखा कि खुदा को गरूर पसंद नहीं है, खुदा को सरकशी पसंद नहीं है। क्या बात है वहाज, माशाल्लाह अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। वहाज जब भी सुनाते हैं ऐसा दिल मोल लेते हो आप, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। अब यहाँ मुझे एक जी जी कमर उस्ताद कमर जलालवी साहब का एक नज़म याद आ रही है, तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सुना है सुना है। कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिले, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या, मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या, इकरोस क्रोस बहुत सीस्त का दर खट खटाएगी, खुद जाएगा चरावे कबर, उसके बाद क्या। बड़ी बात, कुछ मेरे लिए छोड़ देते ना, कल मैं इंट्रो में सुना देती आज ये अच्छी बात नहीं, लेकिन बहुत खूब जबरदस्त। अच्छा जी सैयद, आपका हमें नात सुनाएंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें सैयद आतका। जी ये लीजिए सैयद आतका को दीजिए और जी आप नात सुनाएं। صلی علی محمد کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں، کہ مانگ ہاں
कुछ नहीं वरना किस्मत का सितारा, कुछ नहीं सब उन्हीं का है हमारा, कुछ नहीं और देखना शाही का नजारा, कुछ नहीं कसर शाही का नजारा, कुछ नहीं सब उन्हीं का है हमारा, कुछ नहीं सब उन्हीं का है हमारा, कुछ नहीं और बेच दे खुद को नबी के नाम पर। सौदे में खसारा, कुछ नहीं ऐसे सौदे में खसारा, कुछ नहीं क्योंकि सब उन्हीं का है हमारा, कुछ नहीं। क्या बात है आपका साहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अजय जी, मैं साजिद भाई आपसे पूछूंगी, क्योंकि माशाल्लाह बच्चियां भी मौजूद हैं और अनवर साहब भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं अभी। आप क्योंकि आपका एक ताल्लुक है हिकमत से और बहुत सारे लोग रोज़ा, जैसे आपने कहा कि मैं शुगर का जो इलाज करता हूँ और उसका गारंटी से करता हूँ, तो ऐसी कौन सी, क्या एहतियातों के साथ मेडिसिन दी जाती है या ऐसे ही? अच्छा, एक तो मैं सभी आपको बताऊं, आज मेरे नौजरीन जी जो पहली दफ़ा मुझे सुन रहे होंगे जी जी, क्योंकि मेरे तो बहुत से प्रोग्राम आपके साथ भी हो चुके हैं। अच्छा, हम शुगर मेलेडिस में टाइप वन और टाइप, जो बच्ची अभी बात भी करी थी डॉक्टर साहब से जी जी, मैं टाइप वन और टाइप टू का दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब हकीम साजिद सलाम के ऊपर शुगर का मनी बैग गारंटी के साथ इलाज किया जा रहा है। मनी बैग वारंटी का लफ्ज़ हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमने बहुत से ऐसे लोगों को इस कुफर में जाते हुए देखा कि वो ये लोग बोलते थे सभी कि दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, और हम ये बोलते हैं कि अल्लाह की सुन्नत है कि जब दुनिया में कोई मर्ज बेहता है पहले उसका इलाज बेहता है जी जी। तो लिहाजा हमारे मतलब के हकीम साजिद इस्लाम के अंदर शुगर का जो इलाज है वो मनी बैग गारंटी के साथ किया जाता है। हमारे शुगर की मेडिसिन डॉक्टर हजरात मंगवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, गुजरांवाला पे जैसे हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह और हर शहर में ही सुना जाता है, मेरी हर जगह पे मेडिसिन जाती है। अभी बात एहतियात और परहेज़ की हो रही है कि शुगर के मरीज ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ज़्यादा है। चावल, चीनी, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल सख्ती से मना है, और आप अपनी सहरियों और इफ्तारियों में 2 चम्मच जैतून के ज़रूर इस्तेमाल करें, और इफ्तारी के टाइम के ऊपर ख़ासतौर पे जब अपना खाना खा रहे हैं ऐसा खाना खाएं जिसमें गजाइत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। जैसे मशरूबात के अंदर कुदरती आपने चीज़ें लेनी है, रूह अफजा शुगर फ्री में ले सकते हैं ठीक, और फ्रूट्स ले सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिहाजा बाकी जो है साथ साथ प्रोग्राम में थोड़ी थोड़ी मेरी बात भी चलती रहेगी साथ साथ साथ। नहीं नहीं बिल्कुल, ये गुड़िया ना रह जाए जी। सोहा फरीद जी, सोहा फरीद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद Sallallahu alaihi wasallam ya wajhatuni wal qarani
माशाल्लाह आसमा से मैं गुजारिश करूंगी नात प्लीज पेश कीजिए। बिल्कुल टाइम कम रह गया, इसके बाद हम दुआ करेंगे और फिर हम अपने दस्तरखान पे बैठेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है इबादत है, रमजान का दस्तरखान ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। जी आसमा जी जान-ए-उल्फत का पिला दे या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, जान-ए-उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, जान उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, के ख्वाब में तशरीफ ला कर एक बार, ख्वाब में तशरीफ ला कर एक बार, दीद का शरबत पिला दो या रसूल, दीद का शरबत पिला दो या रसूल, दीद का शरबत पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, उम्र भर तेरी सना खानी करूं, उम्र भर तेरी सना खानी करूं, हर रुकावट को हटा दो या रसूल, हर रुकावट को हटा दो या रसूल, जान उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, और बख्श देगा गई खता मेरी खुदा, बख्श देगा गई खता मेरी खुदा, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, तुम जरा लब को हिला दो या रसूल, जान उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल, और चांद को उंगली से मगदी पाक में, चांद को उंगली से मगदी पाक में, जिस तरफ चाहे झुका दो या रसूल,
जिस तरफ चाहे झुका दो या रसूल जान उल्फत का पिला दो या रसूल अपना दीवाना बना दो या रसूल। सुभान अल्लाह और मैं मदनी साहब से गुजारिश करूंगी दुआ माइक दीजिएगा साजिद भाई आपने पकड़ना है और मदनी साहब दुआ करेंगे और जी मुझे जरा सा टाइम थोड़ा मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी अजान में कितना भी मजीद टाइम होगा दुआ की हम इजाजत करते हैं 12 मिनट है। अच्छा 12 मिनट है हम लोगों के पास तो मैं चाहूंगी कि आप दुआ पढ़े और फिर हम लोग मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जी कुछ बात करके फिर दुआ पढ़िएगा बिल्कुल बिल्कुल जी जी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमजान मुबारक है और ये इफ्तार की घड़ियां हैं। आप यकीन जाने कि इफ्तार की घड़ियां वो घड़ियां होती हैं कि जिस टाइम अल्लाह तबारक व ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आजाद कर रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये लम्हात बड़े कीमती हैं। इस जहन के साथ और इस इरादे के साथ इस नियत के साथ आप दुआ में शरीक हो जाइए जी बिस्मिल्लाह कि वो जो अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम से आजाद किए हुए लोग हैं अल्लाह ताला जी हमें भी उन आजाद करदा लोगों में हमारा नाम भी तहरीर फरमा ले आमीन आमीन। तो खुलूस दिल के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाथ दराज कीजिए और अपने गुनाहों को याद कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا حساب الميزان يا إله العالمين يا رب العالمين مولاي كريم ترا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان کہ تو نے آج ہمیں آج کا روزہ بھی मुकम्मल तौर पर रखने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह हमने जो आज का रोज़ा रखा इसके रखने में हमसे कुछ भी गलतियाँ हुई ए अल्लाह अपने फजल करम से अपने हबीब के सदके ए अल्लाह इन तमाम कोताहियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम लगदिशों को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हम ये तेरे सामने इकरार करती हैं कि हमने बेशुमार गुनाह किए हैं लम्हा लम्हा हमारा गुनाहों में बसर हुआ है लेकिन ए अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया तो किसकी वो चौखट है कि जहां पर जाकर हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। एक फकत तेरी चौखट ही हमें नजर आती है और ए अल्लाह तो करीम है तो रहीम है तो गफूर है तू अपने बंदों से दुनिया में रहने वाली माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। मौला ये इफ्तार का वक्त है और इस वक्त में तू अपने बंदों को जहन्नम से आजाद कर रहा होता है। ए अल्लाह जो जहन्नम से आजाद किए हुए लोग हैं उन लोगों में हमारा भी नाम तहरीर फरमा दे। ए अल्लाह हमें भी जहन्नम से आजाद फरमा दे। ए अल्लाह हमें भी अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। मौला करीम मरने से पहले हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अपने गुनाहों पर मुकम्मल तौर पर हमें तायब होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक मरहमत फरमा। नेकियां करना हमारे लिए आसान बना। ए अल्लाह नेकियों से हमें मोहब्बत और प्यार अता फरमा। गुनाहों से हमें मुकम्मल तौर पर नफरत अता फरमा। मौला ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो दुआ में शरीक होंगे जो बीमार होंगे। मौला ये इफ्तार की घड़ियां हैं और इन घड़ियों के सदके ए अल्लाह जितने भी बीमार हैं मौला तमाम को सेहत अता फरमा। ए अल्लाह तमाम को शिफा याबी अता फरमा। ए अल्लाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके मौला तमाम बीमारों को सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मुश्किलात में गिरे हुए लोगों की मुश्किलात को आसान फरमा। ए अल्लाह मकरूजों को बारे कर्ज़ से निजात अता फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को साहिब औलाद कर दे। ए अल्लाह हम तमाम की दुआओं को इल्तिजाओं को
आर्ज़ुओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारा आज का ट्रांसमिशन करना अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को इल्म दीन सीखने इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें रोजाना तिलावत कुरान करने का शौक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को मुकम्मल तौर पर तर्जमे और तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम दुआओं को इल्तिजाओं को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, या इलाही हर वो चीज अता कर दे जिससे हम सब के घर भर का भला हो। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم। जब दमी वापसी हो या अल्लाह लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना साहब इजाजत है, मैं थोड़ी सी दुआ मांगना चाह रही हूं। दस्तरखान तो हमने लगाया है और एक सबके घर में इस वक्त दस्तरखान बसी होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में सोच रही हूं जो नहीं दस्तरखान लगा सकते और बहुत सारे झोंपड़ियों में रह रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके पास होंगी, वो भी मांगी हुई होंगी, वो खा रहे होंगे। मेरे दिल से दुआएं इस माह मुबारक रमज़ान के सदके में अल्लाह पाक उनके घरों में रिज़्क हलाल और उनके घर में भी दस्तरखान वसी हों। और ख़ास दुआ करूँगी इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त जो पिछले साल उन लोगों के साथ रोज़ा खोल रहे थे जो अभी नहीं मौजूद, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को कुशादगी अता फरमाए। उन लोगों के उनके गुनाहों को इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में माफ़ फरमाए। जिनके वालदैन उनके साथ कल बैठे हुए थे पी रहे थे खा रहे थे जो अब मौजूद नहीं है उनके साथ और इस वक्त वो उनकी बहुत कमी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ मेरी माँ बैठी थी यहाँ मेरा बाबा बैठे थे वो नहीं होंगे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश अता फरमाए। कुछ माँ बाप के लख्ते जिगर उनसे जुदा हो गए होंगे जो कल उनके साथ रोज़ा खोल रहे थे पिछले साल और इस साल वो नहीं होंगे। ऐ मेरे मालिक उनके माँ बाप को सब्र अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तू हमारे पतन पे हमारे हलक में जो रिज्क अदा कर वो सिर्फ हलाल हो, एक कतरा भी हमारे हलक में हराम ना गुजरे जिसका हमें आगे कब्र में जवाब देना पड़े। ऐ मेरे पाक परवरदिगार सर से लेके पाँव के नाखून तक अल्लाह पाक तू पल पल हमसे गुनाह होते हैं इसमें कोई शक नहीं, हम कोई फरिश्ते नहीं हम अशरफुल मखलूकात है मेरा रब, तो अपने हबीब के सदके मौला अली के सदके में गौस पाक पीस दस्तगीर के सदके में ला तो हमें माफ़ करवाना, हमारे हमारे सगीरा और कबीरा और गुनाहों को माफ़ कर देना है मेरे मालिक। हम आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, हम बहन भाइयों में लड़ते रहते हैं, हम रिश्तेदारों में लड़ते रहते हैं, हमें इस रमज़ान के सदके में जो हमें रोज़ा सिखाता है हसद ना कर कीना ना कर कुफ्र ना कर बुगज ना रख, हम सब कुछ करके और तेरे बार गाई लाई में झूठ बोल बोल के सजदे करते और तू इतना गफूर रही में तू फिर हमें माफ कर देता है। बाखुदा मैंने देखा है अपनी आंखों से बहुत सारे बहन भाई कितनी उम्र है 70 साल हमारी उम्र है और उसके बावजूद हम इन 70 सालों में हम एक दूसरे में इतनी नफरत डाल देते इतनी, जो लोग दोगों को मिलाता है मेरा रब उनसे खुश होता है, जो दोगों को दूर करता है मेरा रब उनसे नाराज होता है, फिर भी हम सजदा करते हैं वो इतना गफूर रहीम है वो फिर माफ कर देता है। ए अल्लाह तू बड़ा रहमान रहीम है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ए रब तू बड़ा रहमान है तू रहीम है, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं तू रब है तमाम जानों का। और एक हम लोग हैं, हम लोग इतने गुनाहगार हैं, हमने एक मस्जिद एक छोटी छोटी चीजें बनाई हुई ये मेरा ये मेरा, अल्लाह पाक इस मेरे तेरे में हमसे माफ कर दे, हमसे गलती हो गई मैं माफ कर दे। अल्लाह पाक तू हमें इतना वसी रिज़्क दे के हम लोगों को बांट सके, ये छोटे से दस्तरखान को इतना बड़ा कर दे कि अल्लाह पाक हमारे पूरे चैनल में सब रोजा खोल सके और हम औरों को भी खिलाए। मुझे नहीं मालूम, मुझे दुआ नहीं करनी आती अल्लाह पाक, मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन हम सजदा करते हैं लेकिन ऐसे लगता है जैसे हम इतने गुनाहगार हैं फिर तेरे पर गई नहीं जाते। कोई खता करता है तो हम कहते हैं ये बार बार करता है मैं इसको माफ नहीं करता, और तू इतना गफूर रहीम है तू कहता है मैं तू आखिरी लम्हा तेरा सांस बंद हो रहा है तू मुझसे मांग ले एक दफा माफी मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह पाक इस रहमत के अशरे के सदके में तू हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ कर, हमारी जबान इस काबिल नहीं माफी मांगने के तू हमें माफ कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो, बदतमीज बच्चे मैंने देखे हैं अल्लाह पाक उनके माँ बाप का दिल दुख रहा होता है वो इतनी शाउट से बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। अल्लाह पाक उन बच्चों को अल्लाह पाक रहम उनके दिल में डाल, अपने माँ बाप के आगे उफ ना करे वो, उफ ना करे मेरे मालिक वो उफ ना करे, जब वो चले जाते हैं अल्लाह
जब वो चले जाते हो तो तुम दुनिया की कोई कायनात के मान उनके आगे रख दो, माँ वापस नहीं आती, बाप वापस नहीं आता, सब कायनात आपको मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, लेकिन जब आप उन खुशियों में उनको याद करते हो ना, फिर ढूंढते रहते हो, तरसती रहती है, यहाँ गई आपको उनकी माँ नहीं नजर आती। मेरे माँ बाप को और मेरे माँ बाप के अलावा जितने माँ बाप जो दुनिया से चले गए उन सबको माफ कर दे। मौलाना साहब आप ये बताए, माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं हम उनके लिए क्या क्या करें, हम उनके लिए क्या क्या करें, मौलाना साहब ने बताएं, ऐसी क्या बात हो, कैसा क्या काम करें कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की कब्रों को खुशहाली दे दे। अगर किसी के वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, वो उनके लिए कसरत के साथ दुआए मगफरत का एहतमाम करें, उनके लिए साले सवाब करें, उनकी तरफ से सदका दें, यह सदका देना उनको कब्र में राहत पहुंचाएगा, सुकून पहुंचाएगा, इत्मीनान पहुंचाएगा। किसी गरीब की मदद कर दें, अपने वालिदैन को अगर सुकून पहुंचाना चाहते हैं नेकियों में अपनी ज़िंदगी बसर करें, ताकि वो वालिदैन कब्र में भी सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें, खुश रहें कि मेरी औलाद ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र कर रही है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा ज़मीन पर अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है तो अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया आती है कि मैं उनके वालिदैन को ज़मीन में अजाब दे रहा हूँ, तो उनके ज़िक्र करने की वजह से उनके वालिदैन पर से अजाब उठ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ ज़िक्र करें, उनके लिए दुआ मगफरत का अहतमाम करें, उनके लिए साले सवाब करें, कोई भी नेकी करें बस ये नीयत करें कि इसका सवाब ए अल्लाह मेरे वालिदैन तक पहुँचा दे। और अगर किसी के वालिदैन ज़िंदा हैं वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, वालिदैन का अदब करें। यकीन जाने ये वालिदैन अगर इस दुनिया से चले जाती हैं वो घर कब्रिस्तान की मिसल हो जाता है, वो वीरान हो जाता है। ये वालिदैन आज दुनिया में हैं तो इनका एहतराम करें, इनसे दुआएं लें। आज हम परेशान होते हैं तो तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं वज़ाइफ़ पूछने के लिए, तावीज़ात लेने के लिए, गंडे लेने के लिए, लेकिन यकीन जाने कि ये वालिदैन जो हमारे घर में मौजूद हैं, अगर हमें कोई परेशानी है तो हम अपने वालिदैन को कहें कि वो हमारे लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह वो वालिदैन जब दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अज़ान मगरिब हो गई है, अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।